वेलकम एवरीवन। अब इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ऐसी चीज़ पर फोकस करने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देना पड़ेगा, जहाँ पर आपका करियर बनेगा, जहाँ पर आपके गोल्स अचीवमेंट मिलेंगे, जहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड होने वाली है और जिस भी तरीके से आप करियर बनाते हो, अपना पर्सपेक्टिव रखते हो, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास। क्या क्या करियर ऑप्शंस है हमारे पास जो हमें लेने चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, और सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए बेहतर हो सकता है, क्या ये मेरे लिए इतनी अचीवमेंट ला सकता है, क्या मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ, ये सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। टेक एक्शंस, विदाउट टेकिंग डिसीजंस यू कांट मेक एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। सबसे ज़रूरी है डिसीजन लेना, डिसीजन बिना कुछ नहीं हो सकता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप सभी का। तो चार पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैटेगरी मैंने चूज़ की है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब करो, किसी एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जाओ, फोकस करो, आफ्टर 12th जस्ट गो फॉर इट। जो भी पोस्ट है, जो भी तरीके से आप जा सकते हो, चाहे वो IAS एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरह के हो, डजेंट मैटर। अगर आपकी इच्छा है करने की तो आप जाओ बिना सोचे समझे। या फिर प्राइवेट जॉब्स जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, या और भी कम्युनिकेशंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, MBA कर सकते हो। तो देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ्स टू डू, बी द बेस्ट इन दैट। कर सकते हो। और ये दो ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली चलते आ रही है, हम सभी को पता है, राइट। मैक्सिमम लोगों को पता है इन सब चीज़ों का। तो अब दूसरी दो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ज़्यादातर डिस्कस करने वाला हूँ वो है गेट एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। किसी और के लिए काम करना, किसी और के लिए कुछ करना, और फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिलेगी, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो फिर आगे जाके। तो एक तो ऑप्शन है, आप किसी के लिए काम करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको सीखने को मिल रहा है उनसे, आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है आपके पास। तो आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गेट एन अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, बिना सोचे समझे। अगर आपको कोई काम पसंद है, गो फॉर इट, सर्च करो कैसे होगा, किन लोगों के थ्रू आपको काम मिल सकता है वो, राइट। लास्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने बलबूते पे अपने लिए कुछ कर सकना, अपने हिसाब से, अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बेसिक तरीके से मैं शुरू करता हूँ, राइट। देखो, दो चीज़ें जहाँ पर आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको या तो रट्टा मारना है या फिर आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है, अपने दिमाग में लानी है और आपको एग्ज़ाम देना है, राइट। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी, चाहे वो दिल से करो, चाहे हेट करके करो, चाहे आपका काम में इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, राइट। अब मैं जो चाहता हूँ आप लोगों से वो ये है कि ये तो करते रहो, जो भी आपको जॉब मिल रही है करो, जो भी आपको काम मिल रहा है करो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सबसे ज़रूरी आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, क्या आपके पास इतना टाइम है सोचने के लिए कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है क्या आप 100% दे सकते हो। शुरू करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, राइट नाउ। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आपको स्किल्स सीखनी है, खुद के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से स्किल डेवलप करनी है, वो होगी प्रैक्टिस करने पड़ेगी। शुरू में कोई सोचना नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, क्या आप कैपेबल हो, क्या आप कुछ कर सकते हो, अपने आप से सवाल पूछो। और कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपके सामने। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लीडरशिप बहुत ज़्यादा पसंद है, लीडरशिप में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को अपनी बात रखने में या फिर आपकी बात शेयर करनी है, या फिर आपको स्टोरीज पसंद है शेयर करने में, कई सारी चीज़ें हैं लीडरशिप में जहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हो,
जहाँ पर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को। दूसरी चीज़, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत ही अब जाके बहुत ज़्यादा फास्ट तेज़ी से काम चल रहा है। हर कोई इंसान क्रिएटिव बनते चले जा रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उतना ही कंपटीशन आगे आगे बढ़ते चले जा रहा है। आपको कंपटीशन का बिल्कुल नहीं सोचना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन देखनी है, अपना फील्ड देखना है, किस चीज़ के अंदर आपको परफेक्ट बनना है, किस चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ बनना है। एक्सपर्टीज़ बनना ज़रूरी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही एक ऐसा सॉल्यूशन है इसका, और आपका हार्डवर्क ही काउंट होगा। मैं नहीं समझता इसके अंदर लक चलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप स्किल नहीं सीख सकते। अब कोडिंग, कोडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर आप एक तरह से वेबसाइट को रन करना चाहते हो, चाहे आप फ्रीलांसर काम ही क्यों ना करो, फ्रीलांसर काम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेल्स के अंदर। सेल्स इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा बेटर नहीं होती। तो सबसे ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा आपको। हर फील्ड के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन ज़रूर सीखना है बिना किसी हिचकिचाए। कम्युनिकेशन तो यार हर बंदे को आनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना कॉन्फिडेंस के साथ, वैसे ही आपको सभी के साथ कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है। कैमरे के सामने शर्माना नहीं है, बिल्कुल अपना 100% दो। जो भी काम करो सच्चे दिल से करो, बिना किसी फिक्र के। कौन क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे, कोई मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ अपनी सुननी है, अपने दिल की सुननी है, चाहे वो अगला बंदा आपको पसंद कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, डैट डजेंट मैटर, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इंटरनेट की फील्ड में आना पड़ेगा। इंटरनेट की फील्ड में आने से पहले कम्युनिकेशन को सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्ले रोल कर रहा है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा, जहाँ पर चाहे आप डांसिंग एक बेटर तरीके से करो। आप अगर डांसर हो ना, अपने आप को डांसर मानते हो, अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट है, बचपन में हो चाहे कभी भी हो, कोई भी एज के हो, कुछ नहीं मैटर करता। प्रैक्टिस करो और इंटरनेट के थ्रू आप अपनी वीडियो शेयर करो, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, चाहे किसी भी तरह का वो, आप अपना डांस आप अपने तरीके से शेयर करो, अपने डांस को, चाहे कोई लाइक करे चाहे नहीं करे। ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करते ये सब, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं करेगा, हमें कोई लाइक नहीं करेगा, हमें कोई उतनी तवज्जो नहीं देगा जो सुपरस्टार्स को मिलती है। मैं नहीं समझता कि आज का टाइम ऐसा होगा। आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करने वाला है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, अगर अपने अंदर जील है कुछ करने की, तो आपको शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो अपना पैशन हो कोई भी, जैसे कम्युनिकेशन हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, सेल करो। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है सेल करो, कोशिश करो उसके बारे में यूज़फुल टिप्स बताओ, क्या यूज़ है, क्या एडवाइस दे सकते हो आप, क्या वैल्यू है। वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है। वैल्यू अगर आप फ्री में दे रहे हो किसी को, तो वो समझ पाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, क्या मदद करना चाहते हो। वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैल्यू नहीं दोगे तो आपसे कोई नहीं जुड़ेगा। कोई अगर जुड़ेगा तो वो आपकी वैल्यू से जुड़ेगा, आपके नाम से नहीं, आपके काम से जुड़ेगा, और इसी की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ज़्यादातर आपको अगर सीखना है, सबसे ज़रूरी सीखना है, मतलब कि सीखने की चाह है, तो शुरू करो बिल्कुल बेसिक से। देखो टॉपिक पर सर्च करो, गूगल आपको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, राइट। आप मोबाइल बहुत चलाते हो, राइट, तो अब आपको गूगल पर सर्च करना है ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग किस तरह से करते हैं, राइट, और इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स कैसे चलती हैं, एड्स कैसे बनाई जाती है, आपको गूगल पर सर्च करना है, कहीं और नहीं जाना। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग आपको बेचने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज बनाकर बेचने की कोशिश करेंगे, आपको उनके झांसे में नहीं आना। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एट गूगल। गूगल पर सर्च करो, इट इज़ समथिंग
कोई नहीं बताएगा यार, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। आप गूगल पर सर्च करो, आपको वेबसाइट मिलेंगी, वेबसाइट पर जाओ, पढ़ो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इतने मिलेंगे, आप बहुत कुछ सीख पाओगे। यूट्यूब वीडियोज़ देखो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, राइट। तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग, राइटिंग स्किल, अब देखो आपको चार स्किल्स चाहिए इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ राइटिंग स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो राइटिंग के अंदर, राइट स्टोरीज, चाहे वो स्टोरी लिखना हो, चाहे वो कुछ भी लिखना हो, चाहे वो अपने पसंद का कुछ भी एक नया नज़रिया लाना हो, तो आप लिखो, शायरी लिखो, कुछ भी, मतलब कि अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बहने लग जाओ, अपने आप को फ्लो करो, राइट। दूसरी चीज़ ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग। ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि एक सिंगर को होती है, जितनी कि एक कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री को होती है जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भाषण दे रहा है, राइट। उसी तरह से आपको रिकॉर्ड करना है, अपना बेस्ट देना है। तीसरे नंबर पे पिक्चर शेयरिंग। पिक्चर्स इस तरह से क्लिक करो, इस तरह से नॉर्मल तरीके से नहीं, मतलब कि कोशिश करो बेस्ट दो अपना, मतलब कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसी पिक्चर्स हो ताकि लोगों को अट्रैक्शन फील हो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ दम है बंदे में, क्या फोटोग्राफी है उसकी। और चौथे नंबर पे है वीडियोज़। वीडियोज़ एक आज के टाइम में एक प्रोडक्ट ही बन चुका है, एक किस्म का एक सर्विस बन चुकी है। प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके व्यूज़ बनते हैं ना, ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपकी वीडियोज़ ज़्यादा लेंथ भी होगी तो ज़्यादा अमाउंट में लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोडक्ट का काम कर रही है। आप एड्स डाल सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, पैसा खूब कमा सकते हो, पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्किल पर ध्यान देना है। स्किल इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी बताया है ये सभी आज के मॉडर्न वेज हैं, आज के मॉडर्न तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें ग्रैब करनी है, हमें पीछे पड़ना है इसके। हम अगर पीछे पड़ जाएंगे ना इसके, तो हमेशा हमेशा के लिए हम याद रखेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देगी, जो हमें सबसे ज़्यादा दिल से पसंद आएगी। मनी कैनॉट बाय दिस। मनी एक अलग टर्म है। सबसे ज़्यादा अगर आपको सबसे ज़्यादा सोचना है, मनी सोचना है या फिर हैप्पीनेस सोचनी है, ये अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, मनी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, दैट इज़ ऑन यू। एंड इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी इस कहानी को। जैसे कि आपको मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर की है, करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। आफ्टर 12th आप फोकस तो करो, उन चीज़ों पर भी करो जो आपको मदद भी दे, कॉन्फिडेंस भी दे, खोल दे अपने आप को। जिगरा चाहिए ना, जैसे जिगरा चाहिए कुछ करने का, बस वही चाहिए यार, हिम्मत चाहिए कुछ करने की, डैट्स इट। बिना फिकर के, बिना किसी डर के चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। थैंक यू।